चलिए स्टूडेंट, देखिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। प्रश्न एक और दो में प्रत्येक अवयव का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें अवयव दिया है, ए अवयव दिया है, हमें इसका सहखंडज निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका सहखंडज निकालते हैं। तो देखते हैं, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं। राइट कर लीजिए, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया है और इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। चलिए, इसको हमने राइट किया मैट्रिक्स को इस तरीके से। यहाँ पे हमने राइट किया 1, 2, 3, 4। हम मान ले रहे हैं ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हमने एक्स मान लिया। हमारा एक्स इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स है। हमें इसका सहखंडज निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका सहखंडज निकालते हैं। तो सहखंडज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा जो काम होगा, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबका हम लोग सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका सहखंड निकालते हैं। सबसे पहले सहखंड निकालते हैं। ये जो एलिमेंट हमारा A11 है, देखिए ये जो एलिमेंट हमारा A11 है, आप लोग समझिए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी अवयव होता है तो इसके जो एलिमेंट होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। तो इसमें देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये A11, A12, A21, A22। अब हम लोग A11 के लिए सेकंड निकालेंगे सबसे पहले। तो A11 के लिए हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, A11 से। A11 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए -1 to the power i + j इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए इस एलिमेंट, ए एलिमेंट हमारा जिस पंक्ति में है आपको पंक्ति छोड़ देनी है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देना है और जो बच रहा है उसको यहाँ पे राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आई क्या है, आई वन है, राइट करिए, आई क्या है, वन है, तो यहाँ पे हमने वन लिखा। जे क्या है, जे हमारा वन है, तो हमने यहाँ पे वन राइट किया, वन राइट किया, इनटू में फोर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 और इनटू में फोर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा A11 क्या हो गया, A11 हमारा 4 आ गया। चलिए अब हम लोग A12 निकालते हैं। जो हमारा एलिमेंट A12 है इसका हम लोग सहखंड निकालते हैं। तो इसका सहखंड क्या हो जाएगा, इसके सहखंड को हम लोग डिनोट करेंगे A12 से। और A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए -1 to the power i + j, आई क्या है, 1 है, जे क्या है, 2 है, इनटू में क्या लिखना है, ए जो एलिमेंट है जिस पंक्ति में है वो पंक्ति आपको छोड़ देनी, देखिए ये इस पंक्ति में हमें इस पंक्ति को छोड़ देना है, ये जिस कॉलम में उस कॉलम को मैं छोड़ देना है, जो बच रहा है उसको राइट कर दीजिए। इनटू में क्या हो जाएगा, 3। -1 to the power 1 + 2 है, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। -1 to the power 3 इनटू में क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 इनटू में 3 और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, -3। तो हमारे पास A12 क्या आ गया, देखिए हमारे पास A12 आ चुका है -3। चलिए अब हम लोग हमारा जो अवयव A21 है, देखिए हमारा जो अवयव A21 है इस अवयव A21 के लिए हम लोग सेकंड निकालते हैं। तो देखिए A21 के लिए हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, इसके सेकंड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A21 से। -1 to the power i + j, आई क्या है, 2 है, जे क्या है, 1 है, इनटू में क्या लिखना है, ए जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ना है और जो बच रहा उसको मल्टीप्लाई के साथ राइट कर दो। हल करिए, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। -1 to the power 3 इनटू में 2, -1 to the power 3 क्या हो जाएगा, -1
और यहाँ पे 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2। चलिए अब हम लोग ए टू टू के लिए, जो हमारा अवयव ए टू टू है, इस अवयव ए टू टू के लिए हम लोग सहखंड निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा सहखंड क्या हो जाएगा, चलिए राइट करिए। इसके सहखंड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए टू टू थे, कैपिटल ए टू टू से, माइनस 1 टू द पावर आई प्लस जे। आई क्या है, 2 है, जे क्या है, 2 है, इनटू में क्या हो जाएगा, देखिए ए टू टू अवयव जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को मैं क्या करना है, छोड़ देना है, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देना है, बच क्या रहा है, ए बच रहा है, इसको लिख दो, हल कर लो। देखिए 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4, माइनस 1 की पावर 4 इंटू में क्या हो जाएगा, 1, और देखिए माइनस 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू में हमारा क्या हो गया, 1। तो हमारा ए टू टू क्या हो गया, ए टू टू हमारे पास आ गया 1। अब देखिए हमने सेकंड निकाल लिया है, और ये जो हमारे सेकंड हैं इनको हम लोग मिला करके एक आव्यूह बनाएंगे, उस आव्यूह का हम लोग परिवर्त निकाल लेंगे तो हमें सहखंडज मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको मिला करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स एक्स है इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, यानी कि सहखंडज निकालना है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो हमने सहखंड निकाला है इनको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिखिए ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। यहाँ पे देखिए हमारा 2x2 का है, तो इसलिए भी यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 2x2 का ही लेंगे, ठीक है। चलिए और इसका जब हम लोग परिवर्त ले लेंगे, ट्रांसपोज को यानी कि परिवर्त को दिखाने के लिए हम लोग टी भी लिखते हैं, और ऐसे इसको कॉमा लगा करके भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कॉमा के साथ भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है परिवर्त। चलिए वैल्यूज रख दीजिए, ए वन वन क्या है, 4 है, तो यहाँ पे राइट करिए 4 राइट करिए। ए वन टू क्या है हमारा, ए वन टू माइनस 3 है, तो माइनस 3 राइट करिए। हमारा ए टू वन क्या है, माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 राइट करिए। और हमारा ए टू टू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ए टू टू रख दीजिए, और इसका ट्रांसपोज, इसका हम लोग परिवर्त ले लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। परिवर्त हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग पंक्ति को क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। तो हमारी पंक्ति क्या है, 4 माइनस 3, इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे, 4 माइनस 3। और जो हमारा यहाँ पे देखिए ये पंक्ति, इसको कॉलम बना दीजिए, माइनस 2, और क्या हो गया, 1। यही हमारा क्या हो गया, ये जो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया है इसका हमने सहखंडज निकाल लिया है, तो इसका सहखंडज हमारा क्या है, यही है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इस सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। आप लोग राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, इसको मान लेते हैं कोई हमारा मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या मान लिया, x, x इज इक्वल टू में क्या दिया है, 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 2 5 1, एम मैट्रिक्स दिया है, हमें इसका सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस आव्यूह का सहखंड निकालेंगे, सहखंड को मिला करके एक आव्यूह बनाएंगे,
उसका परिवर्त ले लेंगे तो हमें इसका सहखंडज मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सहखंड निकालते हैं। देखिए ए जो हमारा अवयव ए वन वन है, इस ए वन वन के सहखंड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए वन वन से। हमारा कैपिटल ए वन वन क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, आई कितना है वन है तो यहाँ पे वन राइट कर दीजिए, जे कितना है वन है तो यहाँ पे वन राइट कर दीजिए, देखिए आई जे तो वन वन। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए ए अवयव जिस पंक्ति में वो पंक्ति में छोड़ देना है, इस पंक्ति को छोड़ दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बच रहा है ए हमारे पास बच रहा है, और इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे राइट कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ पे राइट करिए, इसको यहाँ पे राइट कर लीजिए 3501। और देखिए इसको हम लोग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी अवयव, समझिए अगर हमारे पास कोई अवयव, कोई भी अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है कॉलमों की संख्या के, तो ऐसे अवयव का हम लोग सारणिक निकालते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, ये हमारा 2x2 का है तो इसका हम लोग सारणिक निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर टू। सारणिक निकालिए इसके, इसका वन को थ्री से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा थ्री, माइनस जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा जीरो, माइनस वन की पावर टू है तो क्या हो जाएगा वन इंटू में क्या हो जाएगा थ्री, हमारे पास क्या आ गया थ्री। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अब तक इस ए वन वन को निकाला, अब हम लोग इस एलिमेंट के लिए क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए ए वन टू, ए वन टू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन टू द पावर वन आई प्लस जे करेंगे, इसके लिए आई हमारा क्या है वन है, जे क्या है देखिए टू है, और ए जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ देना है, देखिए जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देना है, तुम्हारे पास क्या बचेगा टू फाइव माइनस टू वन, तो इसका हम लोग सारणिक निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, टू को वन से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा टू, लिख दीजिए, हमने टू को वन से मल्टीप्लाई किया हमारे पास टू आ गया। अब देखिए माइनस दो गुणे पाँच माइनस दस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हल कर लीजिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री, माइनस वन की पावर थ्री तो हमारा माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे दो प्लस दस कितना हो जाएगा बारह, बारह को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके लिए निकालते हैं, अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, अब आप लोग निकालना सीख गए हो, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए वन थ्री माइनस वन टू द पावर आई क्या है वन है, जे क्या है थ्री है, वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर, मल्टीप्लाई करिए किससे मल्टीप्लाई करना है, ए जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दीजिए, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा जीरो, माइनस दो को तीन से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा वन इंटू में सिक्स, हमारे पास क्या आ गया सिक्स। चलिए अब हम लोग निकालते हैं किसको, इसको निकालेंगे ए टू वन को। चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं हमारा ए टू वन, देखिए क्या हो जाएगा, टू प्लस वन क्या हो गया थ्री हो जाएगा, ऑड आ रहा है माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई के साथ देखिए, ये जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ना है, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ना है, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन इंटू में माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस लगाइए, इस जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, क्या बच्चा देखिए यहाँ पे माइनस वन, यहाँ से माइनस वन, माइनस वन इंटू में माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन। नेक्स्ट अब हम लोग क्या निकालेंगे ए टू टू निकालेंगे, तो ए टू टू हमारा यही है,
तो इसके लिए देखिए आई क्या है, जे क्या है, दो दो चार हो जाएगा, माइनस वन की पावर चार प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे हमने प्लस वन लिखा, इन टू क्या हो जाएगा देखिए, ए अवयव ए टू टू हमारा जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देना है, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देना, बचा क्या वन टू माइनस टू वन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, वन को हमने वन से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वन आ गया, तो यहाँ पे राइट करिए वन माइनस माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूनी चार माइनस चार आएगा, माइनस चार यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस चार, हल करिए वन प्लस फोर फाइव, वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा, फाइव इंटू में वन फाइव। नेक्स्ट हम लोग ए टू थ्री निकालते हैं, ए टू थ्री देखिए दो तीन पाँच माइनस वन की पावर फाइव तो क्या हो जाएगा माइनस वन, इंटू में क्या हो जाएगा देखिए ए टू थ्री कहाँ पे है, यहाँ पे जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ देना, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देना है, यहाँ पे वन माइनस वन माइनस टू जीरो, इसको हल करिए, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, और माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया जीरो माइनस टू, चेक कर लीजिए जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस टू इंटू में माइनस वन प्लस टू हो जाएगा माइनस टू, सही है, यहाँ से माइनस वन यहाँ से माइनस टू, माइनस वन इंटू में माइनस टू हमारे पास क्या हो जाएगा टू। चलिए हमने ए टू वन निकाला, ए टू टू निकाला, ए टू थ्री भी हमने निकाले, चलिए अब हम लोग ए थ्री वन की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा ए थ्री वन क्या हो जाएगा, ए थ्री वन क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर हो गया, माइनस वन की पावर फोर प्लस वन हो जाएगा, वन आ जाएगा इंटू में जिस पंक्ति को, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, फाइव इंटू में माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस फाइव, यहाँ पे लिखिए माइनस फाइव, फिर तीन को दो से मल्टीप्लाई करिए छः हो जाएगा माइनस छः, माइनस फाइव माइनस छः कितना हो जाएगा माइनस इलेवन, ए हमारा क्या हो गया ए थ्री वन। चलिए अब लोग ए थ्री टू देखते हैं क्या हो जाएगा, तीन दो पाँच माइनस वन की पावर पाँच क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा देखिए, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ना है, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ना है, जो बच रहा उसको सॉल्व कर लीजिए, पाँच को वन से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा पाँच, पाँच को वन से मल्टीप्लाई किया पाँच हो गया, और इस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा फोर, थ्री टू लेना है, पंक्ति को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, पाँच को वन से मल्टीप्लाई किया टू से टू कर देना है, दो दूनी चार, माइनस वन पाँच में से चार गए एक, माइनस वन इंटू में वन क्या हो जाएगा माइनस वन, हमारे पास देखिए ए थ्री टू क्या हो गया माइनस वन। चलिए हमारे पास ए थ्री थ्री बच रहा है, ए थ्री थ्री बच रहा है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा ए थ्री थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं, ए थ्री थ्री क्या हो जाएगा देखिए, इसके लिए देखना है तीन प्लस तीन क्या हो जाएगा छः, माइनस वन टू द पावर सिक्स इंटू में क्या हो जाएगा, ए जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ना है, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ना है, तीन को वन से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा तीन, फिर दो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके माइनस दो हो जाएगा, और माइनस यहाँ होता है और माइनस दो वहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस दो, माइनस वन की पावर सिक्स वन हो जाएगा इंटू में तीन प्लस दो पाँच, हल करिए क्या हो जाएगा पाँच। तो इस तरीके से हमने सेकंड निकाल लिया, अब हमें निकालना है सेकंडज, तो सेकंडज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड है सेकंडों को मिला करके एक आव्यूह बनाएंगे, और जो आव्यूह बनेगा उसका हम लोग परिवर्त ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सेकंडज मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका सेकंडज, इसको हमने एक्स माना है तो यहाँ पर लिख दें, चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए हम लोग किससे डिनोट करते हैं सेकंडज को, ए डी जे से, ए डी जे किसका लेना है एक्स का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमने निकाला है सेकंड, उन सेकंड को लिखिए, ए वन वन क्या है थ्री है, यहाँ पे थ्री राइट कर दीजिए, ए वन वन हमारा थ्री है, ए वन टू देखिए क्या है हमारा माइनस ट्वेल्व, देखिए हमारा ए वन थ्री क्या है, ए वन थ्री हमारा सिक्स है। चलिए हम लोग ए टू वन देखते हैं,
ए टू वन हमारा वन है, तो यहाँ पे हमने ए टू वन लिख दिया। नेक्स्ट ए टू टू कितना है, फाइव है, तो फाइव लिख दीजिए। ए टू थ्री कितना है, दो है, तो यहाँ पे दो राइट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा ए थ्री वन देखिए कहाँ है, ए थ्री वन यहाँ है, ए थ्री वन कितना है, माइनस इलेवन, तो यहाँ पे माइनस इलेवन कर दीजिए। ए थ्री टू कितना है, माइनस वन है, और ए थ्री थ्री देखिए हमारा कितना है, फाइव है, फाइव है। इसका हम लोग ले लेंगे क्या, परिवर्त, ट्रांसपोज, इसका हम लोग परिवर्त ले लेंगे, जो हमारे पास आएगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा शैखंडज हो जाएगा, इस अवयव का हमारा शैखंडज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और इसका परिवर्त निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका परिवर्त निकालिए। परिवर्त निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिवर्त निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति को कॉलम बना देते हैं, पंक्ति को कॉलम बनाइए, जो पंक्ति इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, क्या हो जाएगा, थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व सिक्स। अब इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, वन फाइव टू। अब इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, माइनस इलेवन माइनस वन और फाइव। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ एक्स, यानी कि ये जो हमारा अवयव एक्स है, इस अवयव एक्स का हमने एडजॉइंट निकाल लिया, शैखंडज निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर वन एंड टू को एक्सप्लेन किया। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।